हिमाचल और पंजाब सीमा के साथ सटे जिले बिलासपुर के गांव दहिनी के ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का फैसला कर लिया है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण इस गांव से कई लोग पंजाब में पलायन कर चुके हैं और बाकी लोगों का कहना है कि उन्हें अगर सड़क पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली तो वे भी पंजाब में पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। पंजाब सीमा के साथ ब्रह्मपुर नंगल डैम के समीप यह गांव बसा है। जिला बिलासपुर उपमंडल स्वारघाट के अंतर्गत आने वाले इस गांव में लगभग 40 घर हैं और 250 की आबादी है। ग्रामीणों में रोष इस बात को लेकर है कि 7 दशकों से ना तो उनके गांव को सड़क की सुविधा मिली और ना पीने के पानी के। चुनावों के समय हर बात नेता आते रहे, बड़े बड़े वादे भी किए, लेकिन आज तक यह गांव पिछड़ा ही रह गया। हालांकि इस गांव का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और ज्यादातर ग्रामीण पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र नंगल डैम और आनंदपुर साहिब में दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन पशुओं को गर्मी के दिनों में पानी पिलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और पानी के लिए पशु पंजाब में ले जाने पड़ते हैं। इस वजह से सभी ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर यह फैसला किया है कि इस बार लोकसभा चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा और इस बार गाँव के लोग नेताओं के झूठे प्रलोभन में नहीं आएंगे। मैं बीएड करती हूं, इसी गाँव से हूं। मैं कॉलेज जाती हूँ तो रोज़ दिक्कत ही होती है, अकेले जाती हूँ, आती हूँ, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, पक्की सड़क नहीं है, कोई साधन नहीं है, डैडी को रोज़ आना जाना पड़ता है, ये भी मुश्किल है। देखो ना तो कोई पानी की समस्या हल करता है, एक बोर हुआ था वो भी पैप खड़ा करके चले गए, वो क्या आप ही अपने आप ही पानी सप्लाई करेगा? ये सड़क हर बार आते हैं, बोलते हैं इतना पैसा सेंशन हुआ, इतना पैसा हुआ, अरे डेहनी गांव में कहाँ लगा है पैसा, ये भी तो बताओ। डेहनी गांव वोट डालने के केस में नाम आ जाता है, डेहनी में वोटे हैं, जब काम करवाने होते हैं तो क्यों नहीं आता? जो भी है सरकार, हम वोट नहीं डालेंगे इस बार। बननी चाहिए पक्की साड़ी, असि बहुत तंग है, बच्चों बरखा पै जाए कि असि जाइए, कोई पिंड च बीमार हो जाए असि कि जा सकते, क्या मेरे घर बच्चे सही है पूछी बच्चू आके देखो साढ़े असी इन्ना ने खोई जाते सिद्धू लैके जाते अभी बिया बाहर जंगल कि बीमार हो जाए गड्डी नहीं कोई सूट नहीं जा सकता, यह पक्की होनी चाहिए बच्चू, छेती छेती पक्की होनी चाहिए। हमारे गांव में जो दिक्कत है 70 साल से है, यहाँ पर कोई सड़क नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना रास्ते की सुविधा है, यहाँ से लोग शिफ्ट होकर नीचे जा रहे हैं पंजाब में, तो ये तो गांव हमारा उजड़ गया, इसलिए हम तो किसी को भी वोट नहीं पाएंगे, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। कोई भी नेता यहाँ आएगा हम वहां से उसको वापस करेंगे, ये हमारे गांव का एक कार्य।